हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाएंगे प्योर वेज थाली, जो मतलब घर में जो चीज़ होगी ना उसी से हम थाली बनाएंगे, क्योंकि सासू माँ आ रही है और घर पे जो सब्जियाँ हैं ना कल आने वाली थी, तो मैंने सोचा था शाम को ले आऊँगी। बाकी जो घर पे था ना मैंने उसी से थाली तैयार कर दी फटाक से। 1 से 1.5 घंटे में ये थाली मेरी तैयार हो गई थी। तो इधर मेरा बेटा अर्पित और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं जयपुर के लिए। मम्मी जयपुर उतरेगी ना, और गाय को रोटी खिलाया मेरे बेटे ने। वो जल्दी वाले वीडियो में हो सकता है आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि मेरा बेटा ही रोज़ रोटी खिलाता है गाय को। और इधर दादी के पास पहुंच भी गए, ये लोग पहुंचे जयपुर, उधर दादी भी पहुंच गई थी जयपुर। इधर मैं फटाफट कर रही थी तैयारी। इसके बाद मुझे बहुत देर बाद पता चला था कि ये लोग आज ही आ रहे हैं, ये लोग 1-2 दिन बाद आने वाले थे घूम के। तो मैंने सोचा चलो टमाटर ही पड़ी है घर पर, तो टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बाकी और कुछ भी नहीं था घर पर, तो मैंने फटाफट से टमाटर का पल्प निकाला और मैंने सोचा चलो यार टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। सिंपल सिंपल बनाऊँगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर मैंने फटाफट से दाल चढ़ाया। दाल में मसूर और चने की दाल थी। चना का दाल थोड़ा अच्छा होता है और मसूर थोड़ा उसको मतलब एक दूसरे से ना क्या गाढ़ा करने के लिए। और उसी में डाल दिया आलू, ताकि दाल भी बन जाए और आलू भी बॉयल हो जाए स्टफ़ के लिए। स्टफ़ डालूंगी ना उसके अंदर, मतलब भरूंगी ना टमाटर के अंदर, तो उसके लिए आलू भी बॉयल मैंने सोचा इसी में कर लेती हूँ। फिर उसमें थोड़ा हल्दी और नमक डाला और मैंने चढ़ा दिया। 2 से 3 सीटी आई थी मीडियम फ्लेम पर। तब तक मैंने इधर घर का भी काम समेट लिया था, क्योंकि मैं तो फ्री से बैठी हुई थी ना कि आज तो आने वाले नहीं है। फिर मेरा दाल भी बॉयल हो गया, मैंने फटाफट से उसमें से आलू निकाले और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिया और आलू फटाफट से छील के मैंने आलू को भी भून लिया। और हाँ, आलू में ना सिर्फ मिर्ची, जीरा, बस मिर्ची और जीरा ही डालेंगे, बाकी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ भी नहीं। क्योंकि इसकी जो आलू होती है ना स्टफ, बिल्कुल सिंपल ही डालते हैं, सब्जी की तरह सारा मसाला उसमें नहीं डालते हैं। और ये कढ़ाई भी, इस कढ़ाई को मैंने 3 से 4 बार लगता है यूज़ किया होगा हर चीज़ के लिए। मतलब अभी तो मैं इसमें आलू भूनूंगी, फिर आप देखना मैं क्या क्या करती हूँ। अभी मैंने फटाफट इसमें आलू भूंजा स्टफ़ के लिए। अब आलू को इसको निकालूंगी। नमक थोड़ा, नमक और जीरा और मिर्ची दिया था। अब देखो मैंने उसमें तेल डाला और जीरा डाला और थोड़ा सा प्याज डालूंगी। मैंने एक बार में ही सारा प्याज वगैरह कट कर लिया था। थोड़ा उसमें प्याज डालूंगी और प्याज के थोड़े ब्राउन होते ही उसमें टमाटर डालना है। और टमाटर को डाल के थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। और उसके बाद जो मैंने जो दाल बनाई है ना, मैंने सोचा उसको भी छौंका लगा देती हूँ इसमें, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो टमाटर के सॉफ्ट थोड़ा सा गरम मसाला डाला उसके बाद, क्योंकि और थोड़ा सा ना मिर्ची पाउडर भी डाला था, वो कश्मीरी लाल मिर्च। और हल्दी और नमक तो मैंने दाल में डाल रखा था, तो फिर वो डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो फटाफट से हमारा लीजिए इधर दाल भी तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा बॉयल आएगा और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। बॉयल आने के बाद देखिए कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर से ना इतना अच्छा कलर आता है ना, मैं क्या बताऊँ। देखो एकदम बिल्कुल रेड रेड लग रहा है ना। तो उसके बाद फिर इसमें बॉयल आया और हमारा दाल भी तैयार हो गया। और उधर मैंने तब तक मैंने उधर शायद और कुछ भी तैयारी, मसाला वगैरह पीस लिया था इसके लिए। अब देखो फटाफट से मैंने इस बार ना इसमें स्टफ़ नहीं डाला, और ये मैंने गलती की थी। इसमें स्टफ़ डाल के ही मुझे फ्राई करना चाहिए था, क्योंकि स्टफ़ डालने के बाद ना, हाँ ये देखो मैंने इधर फटाफट से सलाद भी काटा मम्मी के लिए। मैंने सोचा सारा कुछ किया होगा ना तो मम्मी आएगी, तो मैं 2 मिनट उनके पास बैठूंगी, मतलब हट के इधर उधर नहीं जाऊँगी। इधर मैंने चावल भी चढ़ाया इंडक्शन पर फटाफट से, और मैंने सोचा इसको बाद में जीरा राइस कर दूँगी कढ़ाई में, क्योंकि बड़ा बर्तन तो है नहीं जिसमें मैं जीरा राइस ऐसे बना सकूँ, छोटा ही बर्तन है इधर। तब तक मैंने फिर उसी कढ़ाई में सब, जिसमें मैंने टमाटर को फ्राई किया ना, उसी में डाला तेज पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च, और इसी में मैंने जो मसाला पीसा था ना सारा, वो सरसों और लहसुन वाला, और उसी में डाल दिया था हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर साथ में डाल के चला दिया था मैंने, कि फटाक से वो भी उसमें मिल जाए। और इसको साथ में हम भून लेंगे थोड़ी देर ऐसे। इसका पूरा डिटेल में इसका वीडियो दिया हुआ है मेरे चैनल पे, अगर आप नए होंगे तो जाके चेक कर लें। ये सब्जी की जो टेस्ट होती है ना, बिल्कुल मछली, अगर आप नॉनवेज मतलब नहीं खाते ना, तो इसको खा के आप जान सकते हैं कि नॉनवेज का क्या मतलब मछली का क्या टेस्ट होता है। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च फिर से कलर के लिए,
और वो जो पल्प निकाला था ना हमने, वो भी इस वक्त इसमें डाल देंगे, क्योंकि लहसुन और सरसों के साथ ना वो टमाटर का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में। इसके बाद डालेंगे वो भुना हुआ आलू जो बचा था ना, स्टफ डालने के बाद जो थोड़ा बचा ना वो उसमें डालेंगे रस में, ताकि उसका भी स्वाद आए और रस भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इधर हमारा चावल भी मतलब अच्छे से बॉईल हो गया था, किस तरह से मैंने चढ़ाया ना, मैंने चावल और पानी एक साथ ही डाला था, धुल के एक साथ डाल दिया और ढक के छोड़ दिया, जब उसमें बॉईल आया फिर उसको उसके ढक्कन को हटा दिया और उसके बाद अच्छे से बॉईल होने दिया। इधर हमारा रस भी तैयार है टमाटर वाला, तो बहुत अच्छे से जब बॉईल आ जाए, लास्ट का जब 2-3 मिनट बचे तब हमने उसमें डाला वो टमाटर, ताकि क्योंकि ज़्यादा देर टमाटर को पकाएंगे ना तो टमाटर बिखर जाएगा। और उसको डालने के बाद 2-3 मिनट हमने और गैस ऑन रखा था सब्जी का। और इधर देखिए हमारा चावल भी हो गया, हमने गैस को ऑफ़ किया और मैं चावल को पसा लूँगी। इधर मैंने इसको हॉल में ही पसा लिया था, हॉल वाले बेसिन में ही। और थोड़ा गर्म भी लग रहा था। इधर देखिए मेरा चावल, उधर सब्जी, दाल और सलाद, ये तीनों हमारा तैयार हो गया। ये देखिए फटाफट से मैंने रोटी बनाया मम्मी के लिए, मतलब मज़ा भी आ रहा था और फटाफट, मतलब सारा काम ना इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, फटाफट से। आप रोटी कैसे बनाते हैं बताना, मैं तो तवे पे ही फुलाती हूँ, आप क्या गैस पे फुलाते हैं या तवे पे फुलाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए फटाफट रोटी बन रही है ना हमारी, और हमारा रोटी भी कंप्लीट हो जाएगा, सब्जी रोटी दाल चावल सारा कुछ कंप्लीट है। और काम भी थोड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं तो उनको भी निपटाना है मम्मी के आने से पहले। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी, ये रेसिपी वगैरह अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए उसी कढ़ाई को धो धो के मैं कितनी बार चढ़ा रही हूँ, फिर से मैंने चढ़ाया और उसी में डाला वो शाही जीरा, छोटा वाला जीरा होता है ना, उसको थोड़े रिफाइन में डाला। और बाद में जब चावल को उसमें भून लिया ना मैंने, तो फिर उसमें घी डाला था मैंने 2-3 चम्मच, क्योंकि घी जब जल जाती है ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है। और ये देखिए हमारा सब्जी टमाटर का ये तड़का, और ये रोटी, ये रत्तू, ये मैंने एक दिन पहले रात को बना लिया था, और वो रबड़ी। ये देखिए मम्मी आ गई, अर्पिता आ गया, बस यहीं तक का वीडियो लिया था मैंने, क्योंकि मम्मी आई थी तो वीडियो लेती या उनसे मिलती, बाकी थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि लोग कहेंगे कि मिलने के बदले वीडियो बना रही है। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे छोटे प्यारू सुकाना जी के लिए, 2 ठो ड्रेस था, 2 कटोरी थी, 1 प्लेट था, 1 ग्लास था, 1 चम्मच था, मैंने बोला था, बाकी चूड़ी वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें आई थी मम्मी लेके आई थी, लेकिन मैंने सिर्फ इनका लिया क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए कान्हा जी का, तो आप भी कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको उनका बर्तन। बाकी धन्यवाद।